शिवपुरी कलेक्टर की जनसुनवाई में किन्नरों ने की फर्जी किन्नरों का मेडिकल कराने की मांग। शिवपुरी कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान अचानक उस समय हंगामा मच गया जब जनसुनवाई में शिकायत करते हुए किन्नर कलेक्ट्रेट कक्ष में प्रवेश कर गए। किन्नर ने अपने नाम मिथिलेश, मोनिका और अनीता बताते हुए कहा कि वह करेरा के जरगवा की रहने वाली है और करेरा में उन्हें नकली किन्नर द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ना तो वह कहीं से बधाई लेने जा सकती हैं और ना ही वह अपना रोजगार चला पा रही हैं। लोगों की बधाइयां मिलने से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में करेरा में आए कुछ किन्नर जो फर्जी हैं उनके मेडिकल जाँच हो जाए तो खुलासा हो जाएगा कि वह किन्नर है ही नहीं क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। ऐसे में किन्नर को ये फर्जी किन्नर बदनाम कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा किन्नरों ने। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? मिथिलेश। कहाँ रहते हैं आप? जरगवा में, अपन जरगवा में। कौन सा थाना लगता है आपका? दिनारा। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? मैं ये समस्या लेके आई थी कि जो करहरा के हैं किन्नर तो जो मुझे मारने की जान से धमकी दे रहे हैं और मैंने दिनारा इलाका की मांग करी कि मुझे दिनारा इलाका चाहिए तो मुझे जान से मारने की ग्वालियर के जड़े और करहरा वाले इधर उधर के झड़न को बुला के मुझे धमकी दे रहे बहुत मारने की, बहुत 50 लाख जमा कर देंगे, 30 लाख जमा करने के तुझे जान से। वो जिन्ने साहब लिंक परवान करा के ये किन्नर बन गए हैं। मैंने कही मेरी जांच कराइए, आप अपनी कराइए, जिसकी जांच में कोई बोया आए उसको जेल भेजाइए और उसको नन्ना दिलाइए मालिक। मुझे बहुत मेरा बहुत बहुत मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और कहीं भी जाती तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मेरी अभी नंग नंग की मुझे जांच करा, मेरी नंग नंग में चोटें हुई। क्या नाम है उनका? आशा नैना आंचल। तो ये कहाँ के लोग हैं? आप तो के। आप तो भैया तो रहने वाले हैं ना? ना, मैं जरगवा की रहने वाली। तो क्या चाहते हो फिर आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे दिनारा चित्र चाहिए। तो ताने में रिपोर्ट लिखाई आपने? लिखाई नहीं, लाई मेरी रिपोर्ट तो वे जो कहते कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से सुनाई होगी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। आपकी जो संस्था है, संस्था टाइप ही रहती है ना आपकी? हाँ। इसमें भी एक बॉस होता है। हाँ। उससे बॉस से आपने संपर्क किया? किया मैंने उनसे, वो भी करी विजय कि मुझे दिनारा क्षेत्र चाहिए तो वे दिनारा क्षेत्र नहीं दे रहे और वे हैं बाहर की जड़ी रहने वाले, उनके लुगाई लड़का भी हैं, मतलब बाहर के वहाँ आके कब्जा कर रहे हैं। आपको भगा रहे हैं? हाँ, मुझे भगा रहे हैं। तो इसमें क्या आपके समाज के लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे? जिसने 4 पैसे उसी के सहयोग दे रहे। मैं आज सही सोलेट अच्छे पैसा वाली होती तो मेरे गले में चीज़ें होती, सब होता। मैंने तो जब भी 50 लाख मारने की धमकी दे रहे तो सब बताओ मैं कहाँ से ले आऊँ इतना 50। मुझे ना तो 50 रुपया भी नहीं है। पहले से भी तो आप काम कर रहे हो? काम कर रहे तो जहाँ भी काम को जाती, जहाँ मुझे मार कूट के भगाते हैं, पैसे भी छुटा लेते हैं और मुझे भगा देते हैं। बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ? अभी कलेक्ट्रेट में क्या बोला कलेक्टर साहब? मैंने ये बोला था कि साहब मुझे दिनारा क्षेत्र की मांग है, मैं अब बलजरगवा की रहने वाली हूँ, मुझे दिनारा क्षेत्र चाहिए। साहब ने आश्वासन क्या दिए हैं? साहब ने जो कहा कि आपको मिल जाएगा।